हेलो स्टूडेंट नमस्कार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर एक और लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो मैं आपको बता रहा हूं और ये न्यूज़ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है आप सभी के लिए स्टूडेंट सोच रहे थे और हमने एक वीडियो भी बनाया था क्योंकि एक न्यूज़ आई थी उसके बेसिस पे कि ये एग्जाम जो है वो आगे खिसक सकता है ड्यू टू इलेक्शन थोड़ा सा खिसकने के चांसेस हैं लेकिन जो न्यूज़ आई है हमारे सामने उस न्यूज से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार इस एग्जाम को सही समय पर जो तय समय है उस समय पर करवाने की ही सोच रही है तो उसके आगे और भी शेड्यूल अवेलेबल नहीं है तो आइए यहाँ पे डिटेल में सारी बातें हम लोग जो है वो कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे चीजें हैं तो आप देख सकते हैं ये न्यूज जो है वो कल के ही अखबार में आई थी आरपीएससी मुख्य परीक्षा नियंत्रक चुनाव ड्यूटी में जाएंगे सचिव को अतिरिक्त चार्ज परीक्षा कैलेंडर नहीं बिगड़े इसलिए मई और जून की परीक्षाएं तय समय पर करने की ही तैयारी जो है वो चल रही है मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर एग्जाम जाता भी है तो ज़्यादा आगे नहीं जाएगा लेकिन यहाँ से तो और लग रहा है उस वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि अगर आप जो तैयारी कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट की वो करते रहिए क्योंकि समय बहुत कम है सिलेबस बहुत ज़्यादा है और इस एग्ज़ाम से इस भर्ती से बड़ी भर्ती अच्छी जो है वो जॉब आपकी नहीं हो सकती है तो आप लगे रहिए डिटेल वही आपको यहाँ पे सारी की सारी दे रखी है रीजन जो है वो आप देख सकते हैं 54 पेपर पर ये एग्जाम जो है वो होने वाला है ये हम सब जानते हैं प्रदेश में लोकसभा चुनाव और आयोग के अफसरों के चुनाव ड्यूटी को देखते हुए अभ्यर्थियों को भ्रम में भ्रम फैला हुआ था कि एग्जाम टाइम पर होगा या नहीं होगा लेकिन आयोग ने तय कर लिया है कि 16 मई से ही ये जो प्रस्तावित मथुरा लगाया था मथुरा लोकसभा सीट के लिए भी 26 अप्रैल को चुनाव है आयोग ने निर्वाचन विभाग को परीक्षाओं का कार्यक्रम भेजकर रिक्वेस्ट की थी कि गुप्ता की चुनाव ड्यूटी कैंसिल की जाए लेकिन निर्वाचन विभाग ने आयोग के तर्क को नहीं माना

जो है वो नहीं मिल पाएंगे इसलिए जो तय किया है उसी तय समय पर एग्जाम आपका होने वाला है ऐसा यहां पे तय किया गया है तो गाइज आप सभी के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो यही है कि एग्जाम सही समय पर होने वाला है समय आपके पास बहुत कम है जो भी स्टूडेंट अभी लगे हुए हैं वो बिल्कुल लगे रहे अपनी गाड़ी को टॉप गियर में डाल दीजिए अब समय आ चुका है सिलेबस जो है वो आप अपना अपना कंप्लीट कर लीजिए हमारा भी ए बी एस टी बी ए ए बी एस टी का सिलेबस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है बी ए तो लगभग हो चुका है नोट्स भी उसमें धीरे धीरे जो है वो अपडेट हो रहे हैं नेक्स्ट सेवन डेज टेन डेज में हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारा कंटेंट अवेलेबल करवा दें नोट्स अवेलेबल करवा दें ताकि आप लोग भी अच्छी तरीके से जो है वो चीज़ों को पढ़ सकें ओके okay, तो जो जुड़ना चाहता है हमारे साथ में डेफिनेटली जुड़ सकते हैं कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और थैंक यू सो मच मेरे हिसाब से आप सभी का इस सेशन में आने के लिए बाकी रेगुलर बेसिस पे हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर एमसीक्यू भी डाल रहे हैं जिससे आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम वो लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके है ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ओके गाइस तो थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम बाय बाय